नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पाठक परीक्षा प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी अभी आयोग ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक दो नोटिस जारी किया आपका, मतलब दो एग्जाम से रिलेटेड नोटिस है। उसमें एक तो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर जो नवंबर में वैकेंसी आई थी, उसका एग्जाम था 5 अप्रैल को, वो कैंसिल कर दिया गया क्योंकि लॉकडाउन का पूरा स्थिति चल रहा है। ये तो 100% श्योर था ये कैंसिल होगा। और साथ ही साथ आपका जो मेंस था यूपीपीसीएस 2019 का, वो आपका 20 अप्रैल को होना था। उसके फॉर्म की लास्ट डेट थी आप लोग सबमिट करने का आयोग में, वो 26 मार्च था। उसे बढ़ा के उसने कहा है कि आप एग्जाम के एक दिन पहले, मतलब उसने ये नहीं कहा कि आपका एग्जाम 20 मार्च को, मतलब 20 अप्रैल को होगा ही होगा, उसने ये कहा कि एग्जाम के एक दिन पहले आप आयोग में जाके सबमिट कर सकते हैं जो फॉर्म है, क्योंकि मेंस का जो फॉर्म होता है आपको फिल करना होता है, उसका प्रिंट लेना होता है, एसेंशियल जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसके साथ ले आके सबमिट करना होता है। तो वो डेट बढ़ा दी गई है। और उसके कहने का, जो आपके प्रभात कुमार हैं उनका माइंड सेटअप देखिए, उनके कहने का ये मतलब है कि आप लास्ट के एक दिन पहले जमा करिए और हम 20 को एग्जाम करा लेंगे। तो क्या ऐसा संभव है? आप लोग खुद सोचिए कि ये इंफॉर्मेशन, मगर एक बार तो ये अपना माइंड सेटअप कर लीजिए कि हो सकता है दिमाग से जो है आपका आयोग का जो अध्यक्ष है वो स्ट्रिक्ट है एग्जाम कराने के मामले में, क्योंकि बीओ के साथ भी ऐसा हुआ। पहले बीओ में प्रभात जी ने बोला कि बीओ का एग्जाम अपने निर्धारित समय पर होगा, मगर जब सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रही तो आपका जो है यूपी गवर्नमेंट के ऑर्डर से ये कैंसिल हुआ। तो हो सकता है कि अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होती है तो ये एग्जाम कैंसिल हो, अगर सिचुएशन कंट्रोल में होती है तो एग्जाम होने के भी चांसेस है आपके, 80% और 20% के चांसेस बन रहे हैं। आप लोग अपनी तैयारी जैसे कर रहे थे करते रहिए, अपना पूरा दम लगा के, और ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि जो बच्चे ढीले हो गए थे इस लॉकडाउन की स्थिति में कि अरे अब तो मेंस भी कैंसिल हो जाएगा, और यहां तक उनके मन में यह भी है कि जो प्री होने वाला 21 जून को वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसके दिमाग पे आप देख रहे हैं जो नोटिस जारी कर दिया है, तो इससे आप ये सोच सकते हैं कि कोई भी एग्जाम कैंसिल हो या ना हो, मगर आप अपना पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन शेयर करिए। धन्यवाद।